हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू फैशन ओरा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन की तीन बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आज की सेशन में हम वस्त्र, जिन्हें हम परिधान कहते हैं, अपैरल्स कहते हैं, इनकी स्टडी के बारे में। जीवन में हर इंसान की गहरी इच्छा होती है कि वो बहुत खूबसूरत और अच्छा दिखे। पहले जो राजा महाराजा होते थे, फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस होती थी, और जो लोग वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे, वह लोग फैशनेबल और एक्सपेंसिव गारमेंट्स पहनते थे। जो आम आदमी होता था, वह नॉर्मल हैंडलूम क्लोथिंग में खुश रहता था। आज हर इंसान कुछ नया ट्राई करना चाहता है, कुछ स्टाइलिश पहनना चाहता है, जिसके चलते गारमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा उछाल आया है। ग्लोबलाइजेशन के बाद अपैरल डिज़ाइनिंग, जिसको कि हम फैशन डिज़ाइन कहते हैं, ये प्रोफेशन बहुत ही ग्लैमरस और चकाचौंध वाला प्रोफेशन बन गया है। इसकी पढ़ाई के लिए देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जैसे एक्सीलेंट लर्निंग सेंटर्स हैं, पर यहाँ तक कुछ स्टूडेंट्स की पहुँच नहीं हो पाती है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि कम सीट्स का होना, अच्छी खासी फीस होना, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम होना। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते कुछ स्टूडेंट्स इसकी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यदि सच में आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो आप अपैरल डिज़ाइनिंग में वोकेशनल डिग्री कर सकते हैं। यह डिग्री बीवॉक अपैरल डिज़ाइन के नाम से जानी जाती है। बीवॉक अपैरल डिज़ाइन यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ने 27 फरवरी 2014 में लॉन्च की थी। इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे जो उनका उद्देश्य था, वह था कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इंडस्ट्री के लिए रेडी किया जाए, साथ ही साथ उनको इस तरीके से शेप किया जाए ताकि वह एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। दोस्तों, इस कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है, वह है कि आपको 12th पास होना होगा किसी भी स्ट्रीम में। यह डिग्री 3 साल की है और इसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं। जैसे कि यदि आप इस डिग्री कोर्स को 1 साल कर किसी वजह से छोड़ देते हैं, तो आपका वह 1 साल बर्बाद नहीं होगा, आपको इसमें डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि आप इसे 2 साल करते हैं, तो आपको इसमें एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, और यदि आप इस डिग्री को कंप्लीट करते हैं, तो आपको इसमें डिग्री मिल जाएगी। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम इस की पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो इसकी पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ का जिक्र करूँगी। जैसे कि DEI, यानी कि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, जो कि बीवॉक करवाता है अपैरल डिज़ाइन के नाम से। नेक्स्ट इज़ पेरियार यूनिवर्सिटी बीवॉक करवाता है टेक्सटाइल्स अपैरल डिज़ाइन के नाम से। नेक्स्ट इज़ BBK DAV कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर, ये बीवॉक करवाता है फैशन टेक्नोलॉजी के नाम से। नेक्स्ट इज़ चित्रकूट यूनिवर्सिटी, यह बीवॉक करवाता है फैशन टेक्नोलॉजी के नाम से। दोस्तों, हमारे देश में 50 से भी अधिक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यह डिग्री कोर्स करवाती है, और यह सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। लेकिन पहले नाम DEI का आता है, क्योंकि DEI ने सबसे पहले यह डिग्री कोर्स स्टार्ट किया था 2014 में, जिस साल यह लॉन्च किया गया था। DEI में बीवॉक के साथ साथ MVOC और हायर एजुकेशन की भी फैसिलिटीज़ हैं। अब सवाल आता है कि हम बीवॉक करने के बाद हमारे लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। हम बीवॉक करने के बाद, बीवॉक अपैरल डिज़ाइन करने के बाद, किसी भी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, पैटर्न मास्टर बन सकते हैं, मर्चेंडाइजर बन सकते हैं, क्वालिटी चेकर बन सकते हैं, फैशन ब्लॉग राइटर बन सकते हैं। ऐसे जॉब हम आसानी से कर सकते हैं। साथ ही अगर हम इस फील्ड में हायर एजुकेशन लेते हैं, तो हम टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, और साथ ही साथ हम एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, जिससे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, साथ ही साथ दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, यदि सच में आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, आप देरी ना करें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।